सबका स्वागत। मध्य प्रदेश आए इसके लिए धन्यवाद। नई संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, प्रोग्रेसिव नीतियों के साथ अपने सभी प्रवासी भारतीयों का भी स्वागत करता है। और हमने केवल दिल के दरवाजे नहीं खोले, इंदौर के लोगों ने तो घरों के दरवाजे खोल दिए कि आए प्रवासी भारतीय, यहाँ रहें। तो हम अपने अतिथियों के सत्कार में लगे हैं और आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। सर, इसके बाद इन्वेस्टर समिट होगा, उसमें क्या उम्मीदें आपकी और आज जैसे यूथ प्रवासी भारतीय? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके पास अब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, निवेश के लिए हमारे पास पर्याप्त जमीन की उपलब्धता है, हमारे पास 24/7 पावर है, बिजली है, हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे यहाँ मैंडेज लॉस नहीं है, और इसलिए उद्योगों के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। टूरिज्म जैसे सेक्टर में भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, अब तो चीता स्टेट भी है, 3-3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, 2-2 ज्योतिर्लिंग है, 11 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो अनंत संभावनाएं मध्य प्रदेश में, और हमारी जो नीतियां हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और इसलिए हमने निवेशकों को भी बुलाया है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवास आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सर, युवाओं के लिए क्या क्या नई पॉलिसीज हैं जो आ सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडियन डायस्पोरा वो सबसे यंगेस्ट डायस्पोरा पूरे विश्व का माना जाता है, उसमें यूथ कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? भारतीय यूथ ने सारी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, उसका उपयोग करने के लिए चाहे स्टार्टअप नीति हो, युवा नीति पहले से है लेकिन हम फिर यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे निवेश के अलग अलग सेक्टर्स की नीति हो जिसमें हम युवाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, सुविधाएं भी देते हैं और अनेक प्रकार की छूट भी देते हैं, राहत भी देते हैं, जिससे वो अपना उद्यम खड़ा कर सकें, अपना उद्योग खड़ा कर सकें, अपना काम धंधा खड़ा कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ मैसेज जो आप इस मंच से दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि समय पूरा विश्व ये देख रहा है, तो कोई ऐसा संदेश जो आप इंडियन डायस्पोरा को और बाकी यूथ को? मध्य प्रदेश दोनों बाहें फैला के सबका स्वागत करता है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में हम लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही, उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बनेगा। इसके लिए हम सब मिल के काम करें, मिल के चलें, ताकि हम इन लक्ष्यों को पूरा करके एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर सकें और अपने देश की प्रगति और विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद। आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।